रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस के कैप्टन के पद से हटाना फिलहाल मुंबई इंडियंस के मानो गले की हड्डी बन गई है। मुंबई इंडियंस समझ नहीं पा रही कि करें तो करें क्या, बोलें तो बोले क्या। कभी अंबानी का वो वीडियो मैसेज वायरल किया था जिसमें अंबानी कहते हैं कि हाँ बैटिंग करेगा ना वो, तो लोग कहते हैं यार वो इंडियन टीम का कैप्टन है यार, उसको ऐसे ट्रीट मत करो। मतलब ये क्या होता, बैटिंग करेगा? अबे खिलाया यार तुमने टीम में, तो जाहिर सी बात है बैटिंग करेगा, नेशनल टीम में कैप्टन है और वो बैटिंग करेगा, वो तीनों फॉर्मेट का अभी भी वो कैप्टन है बंदा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट। फिर महिला जयवर्धने साहब को आगे किया था, जब और मामला बढ़ता है कि यार ये बहुत टफ डिसीजन था, खबर आती कि रोहित को कप्तानी से हटाना इमोशनल डिसीजन था, टफ था, लेकिन हमने पहले भी ऐसा किया तेंदुलकर के टाइम पे। भाई तेंदुलकर वॉज नेवर अ गुड कैप्टन, तेंदुलकर ग्रेट प्लेयर नॉट ग्रेट कैप्टन। तेंदुलकर रिटायरमेंट की तरफ थे जब आईपीएल खेल रहे थे, रोहित शर्मा अभी भी इंडियन टीम में कैप्टन है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं। खैर ठीक है, अब उनकी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं ऑल इज वेल दिखाने की, लेकिन फिलहाल पब्लिक जो है वो भड़की हुई है, अभी भी कह रही है यार फॉलोअर हम तुम्हारे कम करेंगे, तुमने ना दिल तोड़ा। मुंबई को लेकर रैना का भी रिएक्शन जो था बड़ा गजब का था, पार्थिव पटेल और वो कार्ड्स उठा रहे थे, रैना ने कहा कि मुंबई में रोहित शर्मा तो जरूर उठा लेता।